हेलो स्टूडेंट, जेड़ा तुम्हारा नेक्स्ट लैक्चर है बेटा आईटी दा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दा। कल मैं तुम्हें मेनफ्रेम कंप्यूटर बारे दसा कि अच्छ आप कंपोनेंट रीड करना कि अभी कंपोनेंट की होंगे ने मेनफ्रेम कंप्यूटर। मेनफ्रेम कंप्यूटर प्रोवाइड रीएलेबल एंड सिक्योर प्रोसैस एग्जीक्यूशन। कहते जो मेनफ्रेम कंप्यूटर है बेटा वो अपन की है, एक तो भरोसेयोग्यता, तो इन्हों की जी सिक्योरिटी है जी एग्जीक्यूशन के प्रोग्राम ने भरोसेयोग्यता वाली तो सिक्योर होंगी है। ठीक है, मेनफ्रेम कंप्यूटर हैज सम कंपोनेंट टू परफॉर्म अ टास्क। कहते कि कुछ कंपोनेंट्स ने हिस्से ने जोड़े मतलब कि जो भी काम ये किया जाएगा उन्होंने परफॉर्म करने लिए मतलब कि यूज़ किए जाते हैं। पहला जिम्मे सीपीयू, सीपीयू वैसे तो बेसिकली पढ़ी चुके हो। सीपीयू कंटेन द प्रोसैसर मैमरी कंट्रोल सर्किट एंड इंटरफेस फॉर द चैनल। कि एक तो प्रोसैसर कंटेन करता जो प्रोसैसिंग यूज़ किया जाता, एक मैमरी जो स्टोरेज यूज़ किया जाता, कंट्रोल का सर्किट सारे सिस्टम को कंट्रोल करता जो आप कंट्रोल यूनिट पढ़िया होगा किसी, एंड इंटरफेस फॉर द चैनल। इंटरफेस मतलब कि यूजर को जोड़ता है कंप्यूटर के नाम। ये चैनल इज द इंडिपेंडेंट पाथ बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइसिस एंड मैमरी। जो चैनल है, चैनल एक मीडिया की गल करते हो, इंडिपेंडेंट होंगे किसी से डिपेंड नहीं करता इनपुट आउट डिवाइस से मैमरी का भी जो डाटा स्टोर है। दिस पाथ ही यूज फॉर डाटा मूवमेंट एंड फॉर कंट्रोलिंग द कंप्यूटर कंपोनेंट। जोड़ा पाथ है रस्ता डाटे मतलब मूव एक जगह तो दूसरी जगह पर लैके जाता मतलब यूज करते हैं आप कंट्रोल करते हैं कंप्यूटर के जिन्हें भी कंपोनेंट्स होंगे। अगे बेटा अगर कंट्रोलर्स, चैनल्स आर यूज टू कनैक्ट डिवाइस विद कंट्रोल यूनिट। जोड़े चैनल यूज किए जाते हैं ये, ठीक है जी, वो मतलब कि कंप्यूटर भी कनैक्ट होंगे डिवाइस के नाल कंट्रोल यूनिट के द्वारा होंगे। तो चैनल इज आलसो नोन एज अ बस। चैनल में आप बस कहने, बस का की काम होंगे बेटा एक जगह तो दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना। ठीक है, इन्हें मेन फ्रेम कंप्यूटर का डिफरेंट कंट्रोल यूनिट यूज किए जाते, एक तो इंटरनल सर्किट, एक आएगा लॉजिक। इंटरनल जोड़ा पाउंड होंगे वो सर्किट यूज करते हैं, एंड एक लॉजिक। ठीक है, यूज फॉर डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस लाइक अ टेप ले अलग यूज करते हैं। टेप बेटा रीलों वाली होंगी सी, जी पहले रीलों चलती होंगे सी, डिस्क अलग होंगी सी। कंट्रोल यूनिट इज फर्दर कनैक्टेड विद स्टोरेज यूनिट। जी कंट्रोल यूनिट है बेटा वह मतलब कि फर्दर कि कनैक्ट होंगी है स्टोरेज यूनिट के नाल कनैक्ट होंगी। ठीक है जी, नैक्सट आ गया ये मल्टी प्रोसैसर। कहते मल्टी प्रोसैसर इंडीकेट दैट नंबर ऑफ प्रोसैसर। ये मतलब शो किया जाता किन्ने क अपने को प्रोसैसर है जो आप यूज कर रहे हैं। मल्टीपल प्रोसैसर इन मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज सम प्रीफिक्स स्टोरेज एरिया टू प्रोसैस द डाटा। डाटे के मतलब कि यह भी कुछ अजि इंफॉर्मेशन स्टोर करके यूज किए जाते जिम्मे फॉर एरर हैंडलिंग एंड इंटरप्ट हैंडलिंग। कोई भी प्रॉब्लम है सिस्टम के हैंडल करने के लिए आप मल्टी प्रोसैसर भी यूज करते हैं। यूजिंग द स्पैशल इंस्ट्रक्शन सैट प्रोसैसर कैन कम्युनिकेट विद अनदर प्रोसैसर यूजिंग स्पैशल इंस्ट्रक्शन सैट। जिन्हें भी कोई स्पैशल इंस्ट्रक्शन सैट प्रोसैसर है जी आप यूज भी करते हैं ना देने तो कम्युनिकेट हो जाता दूसरे प्रोसैसर यूजिंग एक स्पैशल इंस्ट्रक्शन सैट में यूज। ठीक है जी, नैक्सट बेटा अपने को आ गया द एडवांटेज ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर हैज मैनी एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज। ठीक है, बहुत सारी एडवांटेज से डिसएडवांटेज है मेन फ्रेम कंप्यूटर से आप लाभ भी होंगे ने हानिया भी होंगे ने। फ्रॉम द लास्ट 15 ईयर जिसे आप 50 साल की गल करते हैं पिछले 50 साल देयर वाज अ ग्रेट इवैल्यूएशन इन द मेन फ्रेम कंप्यूटर इन ऑल फील्ड। मतलब कि बहुत ये उन्नति आई है, वधिया बनया जिन्हें साइज वधिया रहा, प्रोसैसिंग स्पीड वधिया रही, डाटा ट्रांसफर स्पीड भी बेस्ट है। ठीक है, सिक्योरिटी एंड फ्लैक्सीबिलिटी भी। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर प्रोवाइड अ ग्रेट सिक्योरिटी अगेंस्ट द अटैक ऑफ वायरस। एक तो की करता बेटा जो कोई भी कोई मतलब वायरस वगैरह कंप्यूटर के अचानक आ भी जाता उन्होंने सॉल्व करने के लिए एक तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता बेटा है। ठीक है, सुरक्षित करता उन सिस्टम को। दूसरा पॉइंट है मेन फ्रेम कंप्यूटर आर कंपेटेबल विद ऑल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। मतलब सारा के नाल मिलजुल के काम करता है, जिन्हें भी ये सॉफ्टवेयर यूज किए हैं जिन्हें भी हार्डवेयर जिम्मे सीपीयू कंप्यूटर कीबोर्ड सारे ने मिलजुल के जिम्मे सॉफ्टवेयर के जिम्मे कोई आप स्पैशल पैकेज यूज करते हैं एम एस वर्ड उस काम करने सहायता का। बिकॉज डिफरेंट यूजर कनैक्ट विद सर्वर अलोंग विद डिफरेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑन देयर सिस्टम। अलग अलग यूजर भी यूज करते हैं बेटा, अलग अलग हार्डवेयर होंगे अलग अलग सॉफ्टवेयर होंगे। दे कैन ईजली कम्युनिकेट विद सर्वर साइड विदाउट एनी इंटरप्ट। कहते भी ईजली ये सर्वर साइड मतलब कि सर्वर न जुड़ जाते हैं किसी भी इंटरप्ट के बिना। ठीक है जी, मेन फ्रेम कंप्यूटर डील विद द थाउजेंड ऑफ यूजर टू एग्जीक्यूट देयर इंस्ट्रक्शन। ये डील करते हैं हज़ारा के रूप में जोड़े यूजर ने यूज करते उन्होंने कामों को छेती परफॉर्म कर देता। विदाउट डिस्टर्बिंग प्रोसैस ऑन द कंप्यूटर वी कैन एड स्टोरेज प्रोसैस। कहते किसी भी मतलब कि कोई भी प्रोसैस है ये मतलब डिस्टर्ब नहीं होंगी, कोई भी आप स्टोरिंग करनी कोई चीज़ या प्रोसैस करनी हो यूज़ कर सकते हैं।
Main frame computer is expensive, महंगे होंगे इन तक थोड़े. It is not easy to purchase. Software टाइम मतलब आप खरीद नहीं सकते ये main frame computer as a comparison to the micro computer. तो कहने माइक्रो कंप्यूटर इज हैंडल्ड बाय द सिंगल यूजर, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर सिर्फ एक लिए यूज किया ना, मेन फ्रेम आप वाले जाने यूज किया है, बट मेन फ्रेम हैंडल्ड मैनी यूजर. ठीक है जी, इंस्टॉलेशन इज नॉट इजी टू, ना ही इन्हें इंस्टॉल करना था. ओके, ये सी मेन फ्रेम थी. हम आप डेफिनेशन करेंगे व्हाट डज नेटवर्क सर्वर. नेटवर्क सर्वर की होता है, ठीक है जी. ये नेटवर्क सर्वर इज अ नेटवर्क. नेटवर्क का मीनिंग तुम समझते हो बेटा की होता है. नेटवर्क जिमें आप एक जाने तो दूसरे न जुड़ना, जिमें आप व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हैं, ठीक है जी. इस तरह दारिया चीज़ें आप यूज करते हैं. नेटवर्क सर्वर इज अ कंप्यूटर डिजाइन टू एक्ट एज सेंट्रल रिपोजिटरी एंड हेल्प इन प्रोवाइडिंग वेरियस रिसोर्स लाइक हार्डवेयर एक्सेस, डिस्क स्पेस, प्रिंटर एक्सेस एक्सेट्रा टू अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क. मतलब कि दूसरे कंप्यूटर से भी आप पढ़ने के लिए मतलब सहायता करता भी, मतलब आप अपने पीसी के उपर किसी होर के नैटवर्क में शेयर कर रहे हैं, मतलब इंटरनेट की वरतों कर रहे. इंटरनेट नैटवर्क सर्वर इज कंप्यूटर डिजाइन टू एक्ट एज अ सेंट्रल रिपोजिटरी, मतलब कि एक सेंटर का काम कर रहा, ठीक है जी. मेन ये को सारा डाटा रिस्टोर होंगे जिसे कि एंड हेल्प इन प्रोवाइडिंग वेरियस रिसोर्स लाइक हार्डवेयर एक्सेस, डेस्क स्पेस, प्रिंटर एक्सेस एक्सेट्रा. मतलब कि सारी चीज़ों पढ़ने के लिए अपने की करता गया, सहायता करता गया, ठीक है जी. अदर कंप्यूटर इन द नैटवर्क भी दूजे के भी आप उस चीज़ में यूज कर सकते हैं. ए नैटवर्क सर्वर माइट नॉट डिफरेंट फ्रॉम आ वर्क स्टेशन इन हार्डवेयर, मतलब कि जो नैटवर्क सर्वर है यह अलग नहीं होंगे वर्क स्टेशन इन हार्डवेयर की गल करिए. हार्डवेयर मतलब जो भी आप टचेबल पार्ट होंगे ने, जिम्मे सीपीयू ला लो, माउस ला लो, बट वह कहते फंक्शनैलिटी इज परफॉर्म क्लीयरली डिफरेंटेड फ्रॉम अदर वर्क स्टेशन, मतलब यद काम है जो सारा का अलग अलग होंगे क्लीयरिटी के. नेटवर्क सर्वर हेल्प इन सिंपलीफाइंग द डिफरेंट टास्क फॉर द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग दोज सेंटरिंग अराउंड द मेनमेंट, मतलब जो नेटवर्क सर्वर है ये सहायता करता भी जो भी अलग अलग ये काम किए जा रहे हैं भी उन्होंने मेन हैड किमें मैनेज करता भी वो सेंटरिंग करता, ठीक है. एनी कॉन्फ़िगरेशन और सिक्योरिटी अपडेट कैन बी अप्लाइड टू नेटवर्क सर्वर इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअली पासिंग टू डिफरेंट कंप्यूटर कनेक्टेड टू द नेटवर्क. जे एक मतलब देखो बेटा जे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन होंगे सेटिंग को चेंज करते हैं, जब कोई भी सिक्योरिटी अपडेट ये उपर अप्लाई करते हैं नेटवर्क सर्वर से, तो ठीक है अभी वो इंडिविजुअली कल्ले कल्ले मतलब सारे जिन्हें भी कंप्यूटर के नाल कनेक्ट किए होंगे ने बेटा वो सारे इन्होंने को पास करता अलग अलग तौर पर, ठीक है जी. ये काम से नेटवर्क सर्वर का. इस तो बार फैक्टर इंक्लूडिंग द चॉइस ऑफ यूटिलाइज की मतलब कि प्रभाव पैदा है. नंबर ऑफ यूजर इन नैटवर्क, एक तो ये बहुत ज़्यादा यूजर होंगे ने यूज करने वाले. क्लासीफिकेशन ऑफ द नैटवर्क यूज, ये टाइप्स आ जिन्हें मतलब कि नैटवर्क टाइप वाइज यूज किया जाता है. बिजनेस ग्रोथ प्लान इफ, ठीक है एनी, मतलब ये की होंगे ने बिजनेस के जो प्लान होंगे ने वो होंगे ने ग्रोथ करते हैं. फीचर्स ऑफ नैटवर्क सर्वर के की गुण ने. कंप्यूटर्स आर प्रोवाइडेड विद मोर मैमरी एंड स्टोरेज कंपैसिटी, एक तो ये की है ये ज़्यादा मैमरी होने करके भी डाटे स्टोर करता है. आलसो आर कॉन्फिगरेड टू डू एडिशन, ये नवी नवी सैटिंग्स भी होंगे. प्रोसैसिंग टू हैंडल द डिफरेंट क्लाइंट रिक्वेस्ट, जो भी यूजर दिन रिक्वेस्ट होंगे उन्होंने उपर की हैंडल करने के लिए क्वालिटी होंगी. अगे अगर मशीन आर यूजली हाई परफॉर्मेंस पर्सनल कंप्यूटर विद रियल एंड फास्ट एंड फास्ट हार्ड डिस्क पावरफुल प्रोसैसर एंड हाई अमाउंट ऑफ अवेलेबल रैम, एक की होंगे मशीन का जी यूज करने की जी परफॉर्मेंस उनका हाई होंगी, ठीक है. वो रियल प्रोसीजर भी होंगे जिद हार्ड डिस्क भी तेजी काम कर दें, प्रोसैसर भी पावरफुल होंगे ने, हाई अमाउंट ऑफ रैम भी है जी वे लैवल होंगी भी ज्यादा डाटे आप स्टोर करते हैं. कैन ऑल्सो एक्ट एज अ सेंट्रल फाइल स्टोरेज यूनिट, इस सेंटर के बेस पर काम करती है. दिस कैन प्रिवेंट डाटा बींग स्टोर्ड इन डिफरेंट वर्क स्टेशन इन द नेटवर्क, ये मतलब सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की थी, जो अलग अलग नेटवर्क के द्वारा काम किया गया उन्होंने मतलब सिक्योरिटी मिली है. ऑथेंटिकेशन एंड यूजर कंट्रोल कैन बी सेट ऑन अनदर वर्क स्टेशन यूजिंग अ नेटवर्क सर्वर. ऑथेंटिकेशन जो भी आप मतलब कि ये उपर सिक्योरिटी लगानी है, ठीक है जी, जो सुरक्षित रखना या पासवर्ड वगैरह कोई भी अप्लाई करना भी वो की कर सकता यूजर कंट्रोल भी मतलब कैन बी सेट ऑन अनदर दूसरे वर्क स्टेशन पर जाके भी नेटवर्क सर्वर से आपका पासवर्ड है जो अप्लाई कर सकता है. जिमें आप कोई ईमेल आई डी बनाने जिम्मे एक पीसी पर बना ये जरूरी नहीं है ना कि आप उस पीसी पर उन्होंने यूज कर सकते हैं, आप अनदर पीसी पर भी उन्होंने यूज कर सकते हैं, ठीक है जी. अगे बेटा अगर सिक्योरिटी कंट्रोल मेजर्स कैन बी मोर कन्वीनियंट टू मैनेज द यूजिंग द नेटवर्क सर्वर, सिक्योरिटी जी कंट्रोल है वो भी मतलब कि ईजी वे आप मैनेज कर लेंगे.
Network service also capable of running an intranet. Intranet nu chalan vich vi ehi sahayata karda ga. Some of the common example of